हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, और सबसे पहले सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग दिवाली यहाँ तो क्या मनाते, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं फिलहाल घर। और अभी आधे रास्ते, मतलब आधे रास्ते से तो क्या, थोड़ी सी 1 किलोमीटर आगे से हम लोग शूट कर रहे हैं। 1 किलोमीटर कहाँ है, 4-5 किलोमीटर आ गए हम। अच्छा, हम पहुँचने वाले हैं कोठेरा, यहीं पे नीचे पे है कोठेरा गाँव। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं 4-5 किलोमीटर, अभी हमारा सफर जस्ट शुरू हुआ है। और हम लोगों ने यहाँ तो मनाना क्या ही था, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो फूल वूल की माला बनाई थी, ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूलों की, वो लगा दी थी दहलीज पे। और जो ऐपन वगैरह माही लाए थे, रेडीमेड होते हैं जो, वो वाले चिपका दिए हैं। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर। और पहले, इससे पहले सुबह माही गए थे चामुंडा मंदिर, कुछ जरूरी काम था इस वजह से। चकाचौंध पूरी भरी हुई है मार्केट में, मस्त लग रहा था एकदम, क्योंकि मैं तो दिवाली में अभी तक मैं आई नहीं थी मार्केट में, आज देखा मैंने बहुत ज़्यादा चकाचौंध है मार्केट में। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ को, अभी कुछ बैग्स वगैरह सेट करने थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं कोठेरा गांव में से। और बाकी रास्ते की क्लिप्स वगैरह दिखाते रहेंगे आपको जैसा जैसा शूट होते रहेगा। फिलहाल घर में मम्मी लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि माही ने जो टाइम दिया था वो दिया था 10-11 बजे हम पहुँच जाएंगे, और अभी हम 12:30 बजे यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो काइनू हाई करो, काइनू को देखो कितना मोटू सा बनाया हुआ है। गर्मी हो रही होगी, बाइक में तो सही हो रहा है। मैंने भी एकदम ब्लैक वाली बड़ी जैकेट पहनी हुई है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है इसमें अभी फिलहाल, बाइक में उतनी नहीं लगेगी। तो दोपहर के, गर्मी लग रही है, दिखाता हूँ मैं आपको, दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा है और चमकती हुई कड़क धूप भी है, ये देखिए। तो आगे का सफ़र करते हैं जारी। कड़क धूप की वजह से ज्यादा गर्मी हो रही है ना, वैसे तो बाइक में हवा चल रही है तो फिर कंफर्टेबल हो जा रहा है, जैसे कहीं रुक रहे हैं ना, बाप रे असहनीय गर्मी हो जा रही है उस समय। चलो, एक तो हमने गर्म कपड़े ज्यादा पहन लिए ना। अरे काइनू, जय करो, वेरी गुड, चले आज कहाँ जा रहे हो आप? घर बोलो, कहाँ जा रहे हो? है किसके घर? नानू, काइनू के दादू, काइनू के घर दादू दादी। चलो फिर, तो दोस्तों गंगोली हाट से लगभग 45 मिनट 1 घंटे का सफर पूरा करने के बाद फिलहाल पहुंच गए हैं डूनी। और डूनी पहुंचते ही देखो क्या चल रहा है, मोमोज। लेकिन मेरे से आजकल मिर्ची खाई नहीं जाती है, तो बड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए। अरे ये तो सॉस है, थोड़ा सा सॉस ही लगा लेते हैं ना, मिर्ची भी है। ये क्या खाएगी? बेबी बनाना खाओगे? काइनो भी मोमोज खा रही है क्या? नहीं तो मिर्ची हो जाएगी यार इसके लिए, इसको मत देना। नहीं खा ली। हाँ, आज 31 तारीख है वैसे, 31 अक्टूबर, कल से नवंबर का महीना स्टार्ट हो जाएगा। और आज और कल में दिवाली में काफ़ी कंफ्यूजन है, कहीं लोग 31 को मना रहे हैं, कहीं 1 को मना रहे हैं, तो हमारे यहाँ साइड को शायद 1 को मना रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हर दिन मना रहे हैं। तो कल हम भी घर पे दिवाली मनाएंगे, परसों भी घर पे रुकेंगे। भैया दूज किस दिन है? 3 को भैया दूज है, उस दिन फिर वापसी करनी पड़ेगी और फिर कहीं जाना भी है, उसके बाद एक लंबा ट्रिप है, तो वो सब तो खैर चलता रहेगा, आगे व्लॉग्स में आपको पता चलता जाएगा। कुछ खास रीज़न से कहीं जाना है हमको, तो फिलहाल आज सिनलेक की ओर चल दिए हैं हम, और सिनलेक के नज़ारे दिखाएंगे आपको काफ़ी दिनों बाद। काफ़ी टाइम हो गया ना सिनलेक गए हो भी? अच्छा, काफ़ी टाइम कहाँ हुआ है? परसों जुलाई में गए थे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर। बट ये था कि उस टाइम पे मम्मी पापा लोग घर पे नहीं थे, तो इस टाइम दिवाली में घर पे हैं। अब गंगोली आर्ट भी क्या ही मनाते अकेले अकेले ना, इसलिए घर भी जाना ज़रूरी है। हालांकि आज भी मेरे पास सूट था एक, अभी भी कॉल कर रहे थे वो, लेकिन नहीं हो सकता, छोड़ना पड़ता है कुछ कुछ ना था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, कुछ खोना पड़ता है। है ना, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। नहीं, ये मैच नहीं कर रहा जो मैंने बोला वही मैच कर रहा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती।
कहीं नु चले क्या? इतना मोटू मोटू बन के क्या जा रहा है, है? चवन्नी जितना तो मुंह है तेरा। रुचि भी बोल रही थी मोटू गोलू पोलू दिखती है बोली तो उसमें वीडियोज में, उसमें सभी दिखते हैं, उसमें तो मैं भी दिखता हूँ, हालांकि आई एम सो फिट। अच्छा ये बड़ी डूनी के आसपास पहुंचे हैं हम लोग और ये सामान वामान सब खोल दिया इसने आने यहाँ पे, इसको लग गई थी भूख, हालांकि घर पे दाल चावल बना होगा है ना। चलें चलो यार। हेलो मैडम कहाँ जा रहे हो? चलो तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हैं घर पे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं क्योंकि बाइक का टायर हमारा जो है बिल्कुल ही बैठ गया था मतलब पंचर हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, मतलब आधा घंटा 45 मिनट लेट हो गए पहुँचते। कैसा रहा सफ़र? अजीब, अपने हाथों के छालों से पूछो कैसा रहा सफ़र। ये देखो छाला लग गया हाथ में, पंचर मतलब पूरा बैठ गया टायर। बाप रे पहुँच तो गए लेकिन परेशान हो गए यार, जहज में हवा भराई फिर भी बैठ गया, मुझे लगा पंचर नहीं हुआ होगा, हवा लीक हुई होगी, लेकिन ख़त्म हो गया था टायर का। अब यहाँ ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है ना कि उसको बनाया जाए, अब सोचना पड़ेगा जाने के दिन के लिए, अब इनको हो सकता है गाड़ी में भेजना पड़े, है ना। ये देखो फूल वगैरह क्या खिले हुए हैं इधर। चलो कहाँ है अरे टकलू? दादी अच्छा चल हो गया। तो दोस्तों घर पे पहुंच गए हैं, फिलहाल शाम के बज गए हैं 4:30, घर पे पहुंच के खाना पीना भी हो गया है, टोपी के कलर से मैचिंग पापा ने ये देखो ये लगा रखा है कलर है दरवाजों में, तो थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो घर पे नई हो रखी हैं, मतलब जैसे कि एपड़ बन रखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बन रखी हैं, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। मम्मी लोग यहाँ पे शाम की सब्जी की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट चल रहा है, पेट ज़्यादा भर गया है तो थोड़ा रेस्ट, उसके बाद दिखाता हूँ अभी मैं घर के नज़ारे। ठीक सामने साइड ये सुगड़ी दिख रहा है हमारे, तो घर में सारा पेंट वेंट हो चुका है, और साल जो ये वाला पेंट था दीवारों वाला वॉल्स वाला वो तो हो ही रहता था, और ये रेड वाली पट्टियां भी हुई रहती थी, बट एपन मैं डालती थी, बट इस बार पापा ने और मम्मी ने मिलके एपन भी डाल दिए हैं, मस्त सुंदर वाले एपन बनाए हैं, और माला वाला सब कुछ लगा के ऑलमोस्ट रेडी था सारा कुछ। ये ओखल में बनाया है इतना प्यारा डिज़ाइन, और साल तो ओखल में भी नहीं बन पाता था इस बार, और ये दरवाजे में ना यहाँ पर ब्लू पेंट हुआ करता था, तो इस बार येलो बचा होगा, पापा ने येलो कर दिया, और बाहर से भी दिखाती हूँ। इस वाली दीवार में चूना और गेरवा लगाया है नीचे से। काइनो क्या कर रहे हो, उखाड़ दिया आपने? हाँ। क्या बनाया इसका? टोपी पहनो सर में। यहाँ पर भी सारा पेंट वेंट करके एपन डाल दिए हैं, और लक्ष्मी माता के पैर लगाए हैं यहाँ से अंदर को, तो कहीं कहीं पर जो जगह बच रही थी वहाँ पर ये खाली मायने चिपकाए हैं, बाकी सब कुछ करा हुआ था, सारा कुछ रेडी किया था, और लड़ियाँ भी पहले से लगाई थी, हम कल आए कल से पहले सब कुछ। ये दरवाजे ना हमने काइनू के लिए बंद कर रखे हैं, क्योंकि काइनू आ जा रही है दरवाजे से तो सीधे गिर ना जाए, इसलिए बंद कर रखे हैं काइनू के लिए। रूम्स में ना पूरा अंधेरा कर रखा है, काइनू सोएगी बट काइनू तो सो नहीं रही। ये सारे अपन डाल दिए हैं, और ये यहाँ बिछाना जो भी करना था, ये देखो जहाँ पर एपन नहीं हो पाए थे वहाँ पर ये रेडीमेड वाला होता है ना जो, वो चिपका दिया है ऐसे करके, और यहाँ पर है मंदिर,
यहाँ पर गुलजुक का मंदिर है और आमा बूबू का भी है यहाँ पर, मतलब आमा बूबू की फोटो लगी है यहाँ पर भी, दिया जलता है और ये है मंदिर, तो यहाँ पर भी लड़ी वड़ी ये तो जली रहती है, मतलब अभी फ़िलहाल दिवाली में, और जो भी ये बर्तन वर्तन होते हैं थोड़े बहुत निकाले हुए हैं, और आज दिए भी निकलेंगे, दिए जलाएंगे ना बाद में, दिए मतलब रेडी होने होंगे आज धो धा के। ये यहाँ के दहलीज में ये वाला बनाया है, पिछली बार मैंने बनाए थे बट इस बार पापा ने सब बनाया ही है सब कुछ, तो मेरे लिए कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा है, पर सब रेडी कर दिया। मिर्ची भी सूख रही है वहाँ पे, देखो ओखल का बहुत ही प्यारा लग रहा है डिज़ाइन, बड़ा सा बना दिया ना तो इसलिए। ताई बेला भी आए हुए हो, ठीक है तुम ठीक है भैया? अरे सफाई चल रही है, अच्छा कह दे अनिल रंग, अच्छा वो नीचे पे मम्मी पापा माही का सब नीचे मंदिर के फूलों की माला बना रहे। उधर नहीं जाने, यहाँ से जाते हैं, इधर से नहीं है रास्ता, इधर से है रास्ता, इधर आजा मैं ले जाऊंगा, आजा निकल पा जा रहे आ रही आ रही। क्या बंदा है पापा बना रहे मंदिर के लिए माला, जो ऑर्गेनिक वाले फूलों की होती है ना वो वाली।